हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ फ्रेंड्स, फिर से आ गई हूँ प्यारा सा नया सा प्यारा सा एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छे स्थान पे और भगवान का प्रवचन सुनने। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब सेकंड थर्ड पार्ट भी जाएगा इस टॉपिक पे। जब तक आप लोग मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने को मिलेगा नहीं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिये, साथ में जो है हमारी चाची सासू माँ जा रही है और चाचा के बेटे आयुष जा रहे हैं और रमन जा रहे हैं। पीएम की तबीयत खराब है तो वो नहीं जा रहा है और अम्मा पिताजी भी घर पे है। तो यहाँ देखिए, हम लोग बात करते करते पहुंच गए गाइस यहाँ पंडाल के सामने, और जो कि मतलब कि जो राम कथा यहाँ हो रहा है। तो राम कथा महाराज शांतनु महाराज द्वारा कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। तो शांतनु महाराज को मतलब कि इनवाइट किया गया है, वही आके राम कथा ये आज एक हफ्ते से हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं और आज लास्ट डेट है इसका और आज लास्ट दिन था। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के चलते ही है, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे ही लगा रहता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है फ्रेंड्स, और पुलिस फोर्स पूरा पूरा मतलब की अधिकारियों का पूरा सहयोग था, पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ था। तो यहाँ देखे पंडित जी जितने लोग आ रहे थे सबको चंदन लगा रहे थे, तो हम लोग भी लगवाए और कुछ इनको पैसे भी दिए, पैर छुए, आशीर्वाद लिए। तो फ्रेंड्स फिर अब चल रहे हैं पंडाल के अंदर और वहाँ देखते हैं काफी भीड़ होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, पूरा स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और लास्ट वाला मतलब की इसका जो सेकेंड या थर्ड पार्ट आप देखेंगे लास्ट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक तो आप लोगों को कुछ पता चलेगा नहीं तो कैसे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ कितनी अच्छी सजावट हुई है और कितना अच्छा आप फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं भी हुई हैं और काफी लोग आ गए हैं और मतलब कि आ भी रहे हैं और हम लोग भी मतलब कि अब सीट देख रहे हैं। जेंट्स का अलग है, लेडीज का अलग है। तो यहाँ देखिए, जेंट्स और लेडीज सारी पुलिस फोर्स की व्यवस्थाएं हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को, और काफ़ी हजारों की भीड़ है। तो यहाँ आप लोग बने रहिए वीडियो में, हम लोग सीट देख के अब बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इंजॉय करिए वीडियो का फ्रेंड्स, और भगवान का नाम लीजिए और खूब इंजॉय करिए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा। राम झूले के तो पर ना झूलाऊंगी, बीते बीते मैं सुनाऊंगी, बीते बीते मैं भजन सुनाऊंगी। जिंदगी के सारे दुख बीत जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख बीत जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आशीर्वाद मिला है, गंगा माँ से जानकी जी ने प्रार्थना किया है, माँ 14 वर्ष का वनवास कुशलता से आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए, लौट के पुनः आपका दर्शन पूजन करूंगी। माँ ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आवाज कम से कम करिए, नहीं तो कथा किसी भी समय बंद हो सकती है। हाँ, इतना मान कर चलिए, मैं आपकी पंचायत चिन्ह को ले
भर का एक भी व्यक्ति एक चौपाई नहीं पड़ा, पांच दोहा नहीं पड़ा, केवल अपना उसके लिए बस एक इसी रूप में हम धर्म को स्वीकार किए, बस कर्मकांड पूरा करते रहे, बस कोई भी कार्य नहीं। अरे कभी मौका लगा के 10-20 चौपाइयां बैठ के पढ़ो, उसको गाओ, थोड़ा गंभीर बनिए, धर्म के लिए जागरूक बनिए, धर्म भीम मत बनिए बंधु माताओं, धर्म योद्धा बनिए। ये मेरी आज से आपसे प्रार्थना करता हूं, धर्म योद्धा बनिए। गंगा माँ को प्रणाम किए और अब कहां पहुंचे, ओ कहीं स्थल पर ही पढ़े लिखे लोग भी पीछे हट जाते हैं, कहते हैं महाराज नाम में क्या रहता है, ये कर, ये बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, अपने कुछ नहीं करते, केवल ज्ञान देते हैं। नाम बदलने में क्या रहता है, तुम्हारा नाम बदलने स्वीकार करो, तुम्हारा नाम बदलने से तुम तैयार नहीं हो, और हमारा एक कोई भूल हुई थी हमसे तो हम उसको धोते रहे, हम धोते रहे। आज सबका प्रणाम मुझे मिल गया, किस रूप में, राम की महिला वालों का प्रयाग में साधना का फल भरद्वाज ऋषि ने किस रूप में दर्शन किया, राम के दर्शन किया। बंधु माता राम के दर्शन के रूप में ही फल मिला है, हम भी तो साधना करते हैं वर्षों वर्ष, हम भी पूजा पाठ व्रत यज्ञ अनुष्ठान कथा प्रवचन सब तो करते रहते हैं, इसका फल मिल रहा है, और मिल रहा है तो हमको पता चल रहा है क्या हमारी पूजा पाठ का फल क्या है, हमारी पूजा पाठ का फल क्या है हमको पता चल रहा है। जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, कहता 15 दिन दवाई खा लीजिए, लौट कर आइए बताइए क्या सुधार हुआ, जब आप दवाई खाकर जाते हो तो डॉक्टर तीन बातें जरूर पूछता है, नींद आने लगी कि नहीं, भूख लगने लगी कि नहीं, कमजोरी गई कि नहीं, तीन बातें यदि हो रही है शरीर में, इसका मतलब डॉक्टर की दवाई भी ना हो पाए, और डॉक्टर बिठती है उदाहरण, बंधु मां आपको उदाहरण